आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त यार दुष्यंत कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेके। नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको क्लियर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहाँ कहाँ पर काम आता है? फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मिला करके दो टॉपिक तो ज़रूर आते हैं, दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से मिलते हैं। आपका दोस्त यार दुष्यंत कुमार, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है, नाम है हेलियो जजकोर, और एक प्यारी सी फैमिली है, नाम है हेलियोज फैमिली। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेरी वीडियोज़ को सुनेंगे तो आँखें बंद ज़रूर करिएगा और विजुलाइज़ करिएगा कि मैं आपको क्या बताता जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोरोना के दौर में मैं कोशिश ये करता रहूँगा कि मैं आपको सीक्वेंस वाइज, हम लोगों ने चैटों में आपका क्या इधर से चैप्टर वाइज शुरू किया है, मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें देता रहूँ। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी यूनिक हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले ऑर्बिटल्स की। जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो SPDF हुआ करता है, आंखें बंद रखिएगा, आँख नहीं खोलनी है आपको। S स्फेरिकल होता है, P डंबल होता है, D डबल डंबल होता है, और F की शेप डिफाइन नहीं है। जब हम P की बात करते हैं तो PX, PY, PZ होते हैं, और जब हम D की बात करते हैं तो DXY, DYZ, DZ square, DZX and DX square minus Y square हुआ करता है। दोस्तों ये जो DZ square हुआ करता है ये सबसे ज़्यादा डेंस होता है और इसके बिल्कुल सेंटर में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करती है। जब हम किसी हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं जैसे sp3d, तो यहाँ पर जो D है वो DZ square होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। जब दो डी यूज़ करते हैं जैसे sp3d2, तो DX² Y² और DZ² को हम लेते हैं हाई डेंसिटी होने की वजह से, और जब हम sp3d3 लेते हैं तो ध्यान रखिए हम लेते हैं कौन, DXY, YZ, ZX नहीं। चलिए दोस्तों कभी भी घबराना नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी में, हमेशा कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढते रहना चाहिए। जब हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आई हुई मुसीबत अपने साथ सोल्यूशन ज़रूर लाती है। कभी कभी हम उसे देख पाते हैं, कभी कभी हम उसे नहीं देख पाते। कोशिश करिए उसे देखते रहें। इस समय पर एक नई स्टाइल से हम आपको सिखाते जा रहे हैं, तो कोरोना के समय में ये भी चीज़ आपको हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, चलिए अब जब हम इसमें नोड्स का फंडा लेते हैं तो ध्यान रखिएगा DZ² में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। ठीक है, DX² Y² में भी एक नोड, आपका नोडल प्लेन होंगे दो, और क्योंकि वो L के बराबर होते हैं इन जनरल, लेकिन DZ² अगर कहीं होता है तो वहाँ नोडल प्लेन नहीं होता है। नीट और JEE में से आना ही होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए फिर मैं इससे आगे की ओर आपसे बात करता हूँ। हम बात करते हैं नोड्स की। हम जब नोड्स की बात करते हैं तो नोड्स कैसे होते हैं? तीन तरह के बोले जाते हैं, लेकिन होते दो तरह के हैं। एक स्फेरिकल, स्फेरिकल हम उसको बोलते हैं, या रेडियल, दोनों एक ही बात है, रेडियस के लॉन्ग या स्पीयर बनाते हुए। एक हुआ करता है एंगुलर, मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स कितने हैं, तो वो होते हैं n-L-1, और एंगुलर नोड्स हमारे पास होते हैं L, तो टोटल सम कितना होगा n-1, ध्यान रखिएगा। और रही बात एंगुलर प्लेन्स की, आखिरकार कितने प्लेन्स होते हैं, या हमसे कहेगा नोडल प्लेन्स कितने होते हैं, तो नोडल प्लेन होते हैं L के बराबर। ये जो नोडल प्लेन का है ये DZ² में नहीं लगता है, वहाँ पर नोडल प्लेन होते हैं जीरो। तो टोटल नोड्स हो गए n-1, स्फेरिकल नोड हुए n-L-1, एंगुलर नोड हुए L। विजुलाइज करिए, आप विजुलाइज कर रहे हैं और मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ।
और टोटल एन माइनस वन, और हमारे पास में नोडल प्लेन्स एल के बराबर। दो चीज़ें आपकी क्लियर कर दी। अब मैं आपके पास आता हूँ एक बड़ी शानदार चीज़ क्लियर करने के लिए, वो है क्वांटम नंबर्स। जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में तीन क्वांटम नंबर का मेन जिक्र होता है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल, दैट इज़ एन। विजुलाइज़ करिए, आप विजुलाइज़ कर रहे हैं, मैं आपको विजुलाइज़ करा रहा हूँ, आप लिख भी रहे हैं। एक होती है एजीमुथल, दैट इज़ एल। एक हुआ करती है मैग्नेटिक, एम। एन कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ जहाँ हम एन को लेते हैं, रेडियस में, स्पीड में, ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में। एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है, ज़ीरो नहीं होती है। क्यों? ज़ीरो होने का मतलब ऑर्बिट ज़ीरो होना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आंखें बंद रखिए, विजुलाइज़ करिए, हिम्मत करिए, आप कर ले जाओगे, अगले एक दो मिनट में सब कुछ कर ले जाओगे। एल, एल हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। टोटल एल जो होते हैं वो एन के बराबर होते हैं, और ये हमारे सब सेल्स के बारे में बताते हैं। एस, पी, डी, एफ। एल की वैल्यू अगर 0 है एस होगा, एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी होगा, एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी होगा, एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक इसके अंदर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? हमसे पूछता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो क्या होता है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2π। इस एच अपॉन 2π को एच बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे 1s के लिए एल की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे एंगुलर मोमेंटम की बात करता तो ये होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, और 1s में n की वैल्यू 1 है, 1s में n की वैल्यू 1 है, तो 1 रख देंगे वहाँ पे। एच अपॉन 2π हुआ कौन? एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब एक और चीज़ आती है, हमसे पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका फॉर्मूला होता है एल, आपका इस तरह से लेते हैं हम, अगर इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि हमारे पास में आखिरकार कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में होता है फॉर्मूले को हम लगा के चलें, 2 बाहर 2l+1, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास में। अब हम m की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक, और वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, छोटे छोटे जो ऑर्बिटल्स हैं s, p, d, f के, जो छोटे 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 से बॉक्सेस हैं उनके बारे में। अब हम इससे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो है हमारा s। तो ध्यान रखिएगा, n, l, m सोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं। किससे आए हैं? सोडिंगर वेव इक्वेशन के कांस्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो s है फोर्थ, वो इनसे नहीं आया, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। वो हमारे पास में बताता है क्लासिकल एनालॉग को, मैग्नेटिक मोमेंट को, पॉइंटिंग अप, पॉइंटिंग डाउन। इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, सोना नहीं है भाई, जागे रहना है, कि प्लस हाफ और माइनस हाफ हम इंडिकेट करते हैं, हम माइनस हाफ और प्लस हाफ भी लिख सकते हैं, यस हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे पास में प्लस हाफ और माइनस हाफ का यहाँ पर मतलब क्या हुआ करता है? एक डायरेक्शन को हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखा है, ऐसा फिक्स नहीं है, ध्यान रखेंगे ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो एस क्या है? अगर आपसे पूछे क्या है, पॉइंटिंग अप एंड डाउन, नो, प्लस वाइज माइनस अप, नो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नो, क्लासिकल एनालॉग, दैट इज क्लासिकल एनालॉग, याद रखना, भूलना नहीं है, आपको बता रहा हूँ चुपके से, किसी और को मत बताना, ठीक है। ये आप हायर फिजिक्स में जा कर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर आपको क्लियर हुआ, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, कि आपका L कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और L कभी भी N के बराबर नहीं होता। S या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। जब हम फिलिंग की बात करते हैं, ऑर्बिटल फिलिंग की, तो अफवाह को मानते हैं, E प्रोपोर्शनल टू N प्लस L। मतलब अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम फिलिंग करते जाते हैं, तो लोअर वालों को पहले भरते हैं, हायर वालों को बाद में भरते हैं, यस। अब एक बहुत शानदार बात आपको बताना चाहता हूँ, वो शानदार बात क्या है, कि जब भी हम n प्लस एल की वैल्यू सेम पाएंगे
तो हम जिसका एन ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी को अपर कर देंगे, उसे ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वैलिड नहीं होता एन प्लस एल कहाँ, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन, वहाँ ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। वहाँ हमें क्या करना होता है, जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका एन सेम उनकी एनर्जी सेम। जैसे 3s 3p 3d सेम एनर्जी के होते हैं वहाँ पर, जबकि यहाँ क्या करेंगे n+0 n+1 n+2 इस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्बिटल, सबसेल, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन और आफाऊ अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी वो कहे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल आप n सेम एनर्जी सेम, अकॉर्डिंग टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम n सेम एनर्जी सेम। तो एक वादा करिए आप कम से कम 3 दोस्तों को ये चीज़ ज़रूर शेयर करेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे। इस लॉकडाउन के दौर में आपके सपने लॉक नहीं हुए हैं, अपने सपनों को पकड़े रहिए, बिंदास तरीके से आगे बढ़िए। मैं आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार, बीटेक एटीट्यूड की एक छोटा सा प्यारा सा चैनल हेल्यूज एजुकोर और एक प्यारी सी फैमिली हेल्यूज फैमिली की तरफ से आपको हमेशा बहुत अच्छे की विश करता हूँ। आप अच्छा करिए, पॉजिटिव सोचिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट।